दोस्तों पहले T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया। इस मैच के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने फिर रिंकू सिंह के लिए कुछ ऐसा किया जिससे देख सब हैरान रह गए। सूर्या ने रिंकू को अपना अवार्ड देकर दिल जीतने वाला बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सूर्या ने क्या कुछ कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी सूर्य कुमार यादव के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कॉमेंट करके बताइए कि इस मैच का हीरो कौन है। दोस्तों तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच दूसरे रन को लेकर गलतफहमी हो गई, जिससे गायकवाड़ बिना कोई गेंद खेले रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। तीसरे ओवर में जायसवाल भी आउट हो गए। यहां से कप्तान सूर्या ने ईशान किशन के साथ पारी को संभाला, बल्कि काउंटर अटैक भी किया। धीमी शुरुआत के बाद ईशान का बल्ला बरसा और उन्होंने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि ईशान अर्धशतक के बाद 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर ईशान किशन ने 112 रन की साझेदारी की। सूर्या का हमला ईशान के आउट होने के बाद भी जारी रहा और इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं तिलक वर्मा का बल्ला भी नहीं चला और 15वें ओवर में वह तनवीर संगा की शिकार हो गए। यहां से सूर्या और रिंकू ने टीम को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि लक्ष्य से 15 रन पहले ही सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उन्होंने 42 गेंदों पर 80 रन की शानदार पारी खेली। यहां से मैच में ड्रामा शुरू हो गया। आखिरी ओवर में 7 रनों की जरूरत थी और शुरुआती 2 गेंदों में 5 रन आ गए थे। फिर दोस्तों अगली 3 गेंदों में 3 विकेट गिर गए। आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था, जिसके बाद रिंकू ने जड़ दिया छक्का। हालांकि यह गेंद 9 बॉल थी और भारत 9 बॉल के रन से ही यह मैच जीत गया और वह छक्का रिंकू सिंह के पारी में नहीं जुटा। रिंकू सिंह 22 रन बनाकर नवाज रहे। वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव को इस मैच में शानदार कप्तानी पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसके बाद उन्होंने रिंकू सिंह के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आप भी सूर्या को सलाम करेंगे। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा, बतौर कप्तान अपना पहला मैच जीता हूं, इसलिए मैं बेहद ही खुश हूं। हमारी गेंदबाजी इस मैच में उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अंत में मुकेश कुमार ने जो गेंदबाजी की, मेरे हिसाब से वह मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि T20 में आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन देना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं जायसवाल ने भी हमें शानदार शुरुआत दिलाई थी। इसके बाद ईशान किशन ने जो बल्लेबाजी की, उससे मेरे ऊपर से सारा दबाव हट गया। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच का असली हीरो रिंकू सिंह है। जहां तक सवाल मैन ऑफ द मैच का है, मेरी राय में इस अवार्ड के असली हकदार रिंकू सिंह है, क्योंकि आखिरी ओवर में काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था, लेकिन रिंकू धोनी भाई जैसा शांत रहा और मैच को फिनिश करके आए। एक समय मैच फंस गया था, लेकिन मुझे रिंकू पर पूरा विश्वास था और यकीन था वह मैच जिताकर ही वापस आएंगे। जब जब रिंकू सिंह को मौका मिला है, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है और उसने मैच को फिनिश भी किया है, इसीलिए यह अवार्ड मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव के इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।